हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सिविल इंफॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को देखा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा क्या था, स्ट्रेन ऑफ एक्स, स्ट्रेन ऑफ वाई और स्ट्रेन ऑफ जेड। स्ट्रेन ऑफ एक्स को मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स अपॉन ई, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ए माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये स्ट्रेन ऑफ एक्स हो गया। इसी तरीके से स्ट्रेन ऑफ वाई सिग्मा वाई अपॉन ए सिग्मा एक्स अपॉन ए माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ए और प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। इन सबको जब मैं जोड़ दूंगा, ये हमारा जब सॉल्व करोगे आप, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई और माइनस टू म्यू, ये हमारा बन गया सिग्मा एक्स अपॉन, देखिए सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा जेड अपॉन ई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई हमारा आ गया। ये दो टर्म में टू म्यू कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर बचा सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, मतलब यही टर्म यही बचा। फिर से अगर इसको कॉमन ले लिया, इस पूरे टर्म को, इसको पूरे को कॉमन ले लिया, तो मैं यही निकाल के लिख दे रहा हूँ, वन माइनस टू म्यू बचेगा, इससे ये आ गया कॉमन, इससे ये आ गया, तो यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे टू म्यू, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वन माइनस टू म्यू। तो ये हमने देखा, ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आपको ये फार्मूला याद कर लो आप, या फिर इस तरीके से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड अलग अलग निकाल के उसको जोड़ के तब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व करते हैं, तो जिससे हमें इसे ज़्यादा से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम है, देखिए आप, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में सिग्मा वाई हमारा हो गया 60 मेगा पास्कल, ये 60 मेगा पास्कल हो गया और ये 60 मेगा पास्कल यहाँ पे दिया गया और ये मेरा सिग्मा एक्स 80 मेगा पास्कल है यहाँ पे 80 मेगा पास्कल और सिग्मा जेड देखिए डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, अंदर की तरफ है, ये मेरा 40 मेगा पास्कल है और ये भी मेरा 40 मेगा पास्कल दिया गया। और कह रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं पूछ रहा, चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, चेंज इन वॉल्यूम बताओ, मतलब एक बॉडी दी गई है जिसमें एक्स डायरेक्शन पे 80 मेगा पास्कल का स्ट्रेस लग रहा है और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40 का अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से चेंज इन वैल्यूम, वैल्यूम में चेंज कितना आएगा ये पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी गई हैं, ये आपको एक मेटल दिया गया क्योंकि इसका पॉइजन रेशियो 0.3 दिया गया है और इसका यंग मॉडलस 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, डेल्टा भी आपको पूछा गया है। तो देखिए एक एक तरीका जो है, जो आप कर सकते हो, एक तरीका उसमें आप ये काम कर सकते हो इसमें, कि आप स्ट्रेन ऑफ एक्स निकालो, स्ट्रेन ऑफ वाई निकालो और स्ट्रेन ऑफ जेड निकालो और वो होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर होगा। आप एक ये तरीका निकालो, यहाँ से वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ये आपको ये दिया है 200 mm, ये आपको दिया है 200 mm और ये आपको दिया है 300 mm, ये क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज़, और आपसे ये पूछ रहा है डेल्टा वी पूछ रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि सिग्मा एक्स आप निकालो, सिग्मा वाई निकालो, सिग्मा जेड निकालो और इसको सबको जोड़ दो आप, स्ट्रेन ऑफ एक्स स्ट्रेन ऑफ वाई स्ट्रेन ऑफ जेड और फिर वैल्यूम का मल्टीप्लाई करा के डेल्टा वी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो
और दूसरा तरीका आपका ये है कि जो अभी मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फार्मूला बताया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई वन माइनस टू म्यू। तो देखिए सिग्मा एक्स आपका कितना दिया है 80, सिग्मा वाई कितना दिया है 60, और सिग्मा जेड देखिए ये डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है, सिग्मा जेड जो है अंदर की तरफ आ रहा, तो ये नहीं माइनस का देना पड़ेगा अपॉन ई की वैल्यू 2.1 इंटू 10^5 और 1 माइनस 2 म्यू 2 इंटू 0.3। ये यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेंथ 200 है, विड्थ 200 है, हाइट 300 है, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ थोड़ी सा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 80, 60 और ये 40, तो ये आपका गया 100। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को मैं आपको कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर आ गया मेरा 100 अपॉन 2.1 इंटू 10^5 इंटू में 1 माइनस 2 में 0.6 यानी 0.4 का, जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया कितना 40 अपॉन 2.1 इंटू 10^5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ गया 1.9 इंटू 10 की पावर 6, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कितना आ गया 1.9 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमारा गया 1.9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन वैल्यूम, वैल्यूम कितना था 200 × 200 × 600 mm में था ये सब हमारा। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी ये, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1.9 × 10^-6। अब हमको डेल्टा वी पूछा गया है, तो डेल्टा वी इक्वल टू 1.9 × 10^-6 इंटू वैल्यूम। अब वैल्यूम, वैल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यूम कितना दिया था हमको, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी 300 × 200 × 200। तो जब इन सब का मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आएगी आपकी, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 228.57, लगभग इतनी आएगी क्यूबिक मीटर। तो वैल्यूम, वैल्यूम में चेंज कितने का आएगा, इतने का चेंज आएगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने इस तरीके से लगा लिया, ये इजी तरीका हो गया। लेकिन अभी आप अगर समेशन ऑफ स्ट्रेन ऑफ एक्स, स्ट्रेन ऑफ वाई और स्ट्रेन ऑफ जेड जब कैलकुलेट करोगे और तब आप निकालोगे इसको, तब भी यही वैल्यू आपकी आएगी। तो आपकी मर्जी आप किस प्रोसेस से लगाओगे, लेकिन जब आप इससे करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, उससे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको ये चीज़ समझना है, 80 मेगा पास्कल जो भी ये स्ट्रेस दिया गया, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये किस तरीके से आ रहे हैं। अभी आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेस टेंसर क्या है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको ये सब सोम बहुत ईजी लगने लगेगी। तो ये क्वेश्चन आप हिट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आप इसको और अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्या हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंसर को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को समझ लेते हैं क्या कहते हैं। स्ट्रेस को मैं जनरली बोलता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, सोम पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस से डील किया जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आप चाहे लिखते भी रहिएगा। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, कंप्रेसिव डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इसी तरीके से टेंसाइल डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, ये आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से बेंडिंग में भी हमारा कंप्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस होता है और टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। तो कंप्रेसिव डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल, वो तो आप इस तरीके से इजीली आप समझ जाओगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बेंडिंग वाले जो हमारे कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट होते हैं, उसको कहाँ पे शो करते हैं, वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। ये हमारे
दो बॉडी दी गई, इसमें मैंने एक लोडिंग ऊपर से लगाई और एक लोडिंग यहाँ नीचे से लगाई, तो ये कंप्रेस हो रही है बॉडी, कंप्रेस हो रही है बॉडी, इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए, मतलब ये लोड और प्लस ये लोड जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, यानी ये एरिया और ये लोड अपॉन ये एरिया, ये वाला एरिया लिया गया, कोई भी एक ले सकते हैं, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और प्लस लोडिंग, लोडिंग का लोडिंग क्या है, इससे हमारा क्या निकल रहा है, ये हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल रहा है, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस निकल रहा। अब इसी तरीके से अगर इस बॉडी को मैंने इधर खींचा, इस बॉडी को इधर खींचा, तो इस वजह से ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंप्रेसिव है और यहाँ पे टेंसाइल, टेंसाइल के केस में क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए, ये वाला लोड और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल रहा है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकल रहा है। तो अभी हम लोग ये इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें ये जो एरिया होता है ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है, जहाँ पे लोड जो होता है जिसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये अगर ये प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन करा है, तो ये मार्कर से अगर मैं लोडिंग लगा रहा हूँ तो मैं ये लोड लूँगा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लूँगा, इसका एरिया, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल गया। अब बेंडिंग को समझने के लिए हमें एक बीम समझना पड़ेगा,